कश्मीर के पुलवामा में 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति ढौंढियाल की पत्नी निकिता ढौंढियाल बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक तौर पर 29 मई को सेना में शामिल होने जा रही है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 29 मई को आयोजित पीओपी में वह सेना की वर्दी पहनेंगी। दरअसल देहरादून निवासी विभूति ढौंढियाल जम्मू कश्मीर में हुए 2019 में हुए सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे। उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी निकिता ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का मन बनाया। निकिता ने दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में हुए मिलिट्री स्कीम की परीक्षा दी थी, जिसमें वह पास हो गई थी। इसके बाद चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से निकिता को कॉल लेटर आया। निकिता की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अब वह सेना की वर्दी पहनने के लिए आधिकारिक रूप से तैयार हो गई हैं। 29 मई को भी ओटीए के पासिंग आउट परेड में बतौर लेफ्टिनेंट वह आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हो जाएंगी। आपको बता दें कि मेजर विभूति की शादी 18 अप्रैल 2018 को हुई थी। इसके ठीक 10 महीने बाद मेजर विभूति शहीद हो गए थे। न्यूज़ डेस्क।